और मैंने आपको पिछले क्लास में डेफिनेशन भी बताया था कि जो डी यू होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एस। और उसके बाद हमने चर्चा किया था कि अगर हम वर्क डन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स को आप इंटीग्रेट कर लो, आप वर्क डन निकाल सकते हो, और अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो वर्क डन को आप डिफ्रेंशिएट कर लो। ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब आप किसी के अगेंस्ट में काम करते हो, ठीक है। जैसे मान लो चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज आप सपोज कर लो, दो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहना चाहेंगे, एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो कोई पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं, कोई एनर्जी उन्हें जरूरत नहीं रहेगा। लेकिन जब आप एक चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के फाइनाइट तक लेके आते हो, तब जैसे ही आप यहाँ पे ला करके इसे छोड़ दो तो वो तुरंत भाग जाता है। इसका मतलब जब आप लेके आ रहे थे, मीन्स आप इनफाइनाइट वाले चार्ज पे वर्क कर रहे थे। इनफाइनाइट पे जो चार्ज है आप उसे पकड़ के उस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, मीन्स आप उस पर वर्क कर रहे हो, और वो वर्क जो है उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो क्या करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके वापस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा सकता है। वही केस हमने मास के लिए भी देखा था, दो मास कहाँ पे रहना चाहेंगे, एकदम नजदीक, ठीक है, जीरो डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। जब वो जीरो डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे आप एज्यूम कर सकते हो जीरो है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही आप मास को थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाते हो तो क्या होता है, दोनों मास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जैसे ही आप मास को छोड़ोगे वापस वो आ जाएगा अपने जगह पे जहां पे उसे रहना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आ रहा है, जब आप उसके मूवमेंट के, जो वो खुद मूवमेंट कर सकता है उसके अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ग्राउंड से नीचे जा नहीं सकता, पर अगर आप गड्ढे करो तो और नीचे ऑब्जेक्ट जा सकता है, मीन्स ग्राउंड पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। एक्चुअल में आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा जी एम ऑन एम टू डिवाइडेड बाई आर, वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी आया था ग्राउंड पे, ठीक है। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, फॉर्मूला जनरलाइज कर लेते हैं। दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इनिशियली दोनों R1 डिस्टेंस पे थे, इसे रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने के बाद ये यहां से R2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, ठीक है। तो जब R2 डिस्टेंस पे पहुंचा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहां पे जब R1 पे था तब भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, ऐसा नहीं कि यहां नहीं था, यहां पे भी था, और जब आप R2 डिस्टेंस पे लेके गए तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स यहाँ पे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते। हाँ बोलो सर। यश मोहन क्लास के बाहर वेट कर रहे हैं सर, उसको अंदर आने एडमिट नहीं हुआ है क्या, एक मिनट रुक जाना। बच्चे एडमिट नहीं हो रहे, ओके। हाँ वो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले ये R1 डिस्टेंस पे था, फिर R2 डिस्टेंस पे लेके गए, तो इसे जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पहले R डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। जब ये जा रहा था तो कहीं ना कहीं R डिस्टेंस पे वो आया होगा, और यहां से एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो चला है। सपोज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट है dr, तो सपोज करो यहाँ पे आपका है चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, तो उस फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो पहले कैलकुलेट करना है। देखो, जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है ट्रेवल करा है यहां से, डी आर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना, फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इन टू आप कर लो डी आर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर आप Q2 चार्ज पे ध्यान से देखो तो इसका फोर्स डायरेक्शन है इधर, रिपल्सिव नेचर का,
और dr का भी डायरेक्शन इधर ही है, मींस दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, मींस वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहां पे पॉजिटिव रखा है, into dr कर लिया। अच्छा अब k q1 q2 कांस्टेंट है उसे बाहर रख लो, 1 बाय r स्क्वायर into dr का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 बाय r। अब लिमिट देखते हैं कहां से कहां तक लेके जा रहे हो आप, r1 से r2 तक लेके जा रहे हो, तो आप इसे इंटीग्रेट कर लो r1 से r2 तक, लोअर लिमिट रहेगा r1, अपर लिमिट रहेगा r2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपका होगा k q1 q2, अच्छा नेगेटिव साइन है तो सबसे पहले कौन सा लिमिट आएगा, लोअर लिमिट, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 by r1 minus 1 by r2, ये हो गया वर्क डन। पर हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, वर्क डन आपको यहाँ पे पता है, लेकिन माइनस ऑफ वर्क डन को आप क्या लिखोगे, ये बस इंटरचेंज कर दो, माइनस के एडजस्ट हो जाएगा, पहले 1 बाय आर वन है आप 1 बाय आर टू लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, एक मिनट, du हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ वर्क डन, और माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, के क्यू वन क्यू टू 1 by R2 minus 1 by R1, ये हो गया du का वैल्यू। अच्छा du मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो u R2 पे कितना है माइनस पोटेंशियल एनर्जी R1 पे कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू 1 by R2 minus 1 by R1। अच्छा यहां तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, तो अब इसे डिफाइन कैसे किया गया, देखो किसी एक पॉइंट पे मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है R डिस्टेंस, तो आपको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कुछ मानना पड़ता है या वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर आपको R1 पे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी तो आपको R2 गिवन होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए जरूरत नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट, इसलिए हमें एक रेफरेंस एज्यूम करना पड़ता है। जैसे आप ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, ग्राउंड को हमने क्या हमेशा क्या ले लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो ले लेते थे, उसी को रेफरेंस ले लेते थे। सर हाँ सर, ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो होती है? यस, मानना पड़ता है हमें, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम इन्फिनिटी उसे मानते हैं जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन खत्म हो गया, ऐसा मान सकते हैं ना, इंटरेक्शन खत्म हो गया मींस उन्हें वापस, वो वापस आ नहीं सकते, मतलब वो वहीं पे पड़े रहेंगे, ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। हाँ तो सर हम ये केस में भी यही कंसीडर करें? हाँ यहाँ पे भी हमें यही कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने R2 को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दिया, ये जो R2 है वो इनफाइनाइट पे, तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी R2 का जीरो मान सकता हूँ, माना जा सकता है, क्योंकि ये डिफरेंस हो जाए। हाँ समझ आ गया क्या? हाँ सर। हाँ तो देखो हमने R2 को इनफाइनाइट की तरफ टेंड किया, तो ऑटोमेटिकली U एट R2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा और R1 को आप R एज्यूम कर लो, तो देखना ध्यान से, U एट R1 माइनस साइन के साथ, ये तो जीरो हो गया, माइनस U एट R1 इज इक्वल टू K Q1 Q2, याद देखना R2 को आपने इनफाइनाइट रख लिया है, तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस 1 बाई R1, मतलब यहां पे आ जाएगा केवल 1 बाई R, मैंने R1 को R एज्यूम कर लिया है, तो यहां पे भी R ही रख लेते हैं,
तो ये आ जाएगा u एट r इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक r डिस्टेंस पे, दो चार्ज है दोनों के बीच का गैप r है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। इसमें ये मेंशन करना जरूरी है कि ये तभी आया है r डिस्टेंस पे इतना जब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या माना है, जीरो माना है। वही ग्रेविटेशन में हम हमेशा क्या करते थे, ग्राउंड को जीरो मान लेते थे, पर एक्चुअल में ग्राउंड का जीरो थोड़ी होता है। ग्राउंड पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर होता था, रेडियस ऑफ अर्थ होता था। तो वहां पे हम ऐसा एज्यूम करते थे कि ग्राउंड का, ग्राउंड एक रेफरेंस हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आपने जब हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी निकाला होगा तो हमने बोला था कि जब वो मेन पोजिशन पे है, सॉरी जब उसका नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, तो वहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम कर सकते हो। और वहां से फिर एक्स डिस्टेंस पे हम निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर निकालते थे, ठीक है ना। ये हो गया चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स में ही काम आएगा और कहीं पे काम नहीं आएगा। ये देखो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, आपने स्प्रिंग में पढ़ा होगा वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक उस पर पढ़ रहे हो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, आप एक जगह और पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी। जब हम मैग्नेट के का फोर्स, वहां पे भी हमें पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो फोर्स कैसा हो जाता है, कंजर्वेटिव हो जाता है। ग्रेविटेशन जब मैग्नेट के बीच लग रहा हो, करंट कैरिंग वायर वाला फोर्स नहीं, वो अलग हो जाएगा, वहां पे वेलोसिटी आ जाता है, वेलोसिटी के कारण कंजर्वेटिव उसे नहीं बनने देता। तो वो बताएंगे जब मैग्नेट आपको पढ़ाया जाएगा। तो यू एट आर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। और इसमें एक चीज मेंशन करना कि ये पोटेंशियल एनर्जी तभी है जब इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करा है। अब कुछ स्टेटमेंट में लिखा देता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको चेंज चाहिए तो केवल ये आपको मालूम होना चाहिए, आर वन आर टू में मालूम है, हम आराम से चेंज निकाल सकते हैं। पर अगर हमें R1 का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो R2 मालूम होना चाहिए। ये लिख लो आप स्टेटमेंट में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, मैं आपको दो मिनट टाइम दे देता हूं, ये नोट करो पहले, उसके बाद लिखा देता हूं। मैं दोबारा जो पूछा नहीं अभी को गया एक हो गया सर। ओके देखो कभी कभी क्या होगा, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और कभी कभी होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात होती है। एक्सटर्नल मतलब कैसे, देखो ये खुद जा रहा है ना, ये हमें ले जाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, मतलब R2 से मैं R1 की तरफ लेके आ रहा हूं, तब हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना, अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कराना है तब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे मीन्स नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स आ जाएगा मीन्स सिस्टम के पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, हमें क्या करना है सर, लेकिन हाँ, बोलो। सर लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वली लगाएंगे तो फिर वो मूव होगा क्या? देखो मैं बोल रहा हूँ जस्ट एकदम धीरे धीरे,
धीरे धीरे आप इसी के बराबर लगाओ, पर इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब न के बराबर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो, तभी तो आएगा वो। अगर आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर लगा दोगे तो ये तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो एक्सेलरेट ना कर सके। एक्सेलरेट करेगा तो फिर सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, फिर हमें ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। और फिर से सुनना, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है लेकिन इधर की तरफ आप लगाओगे तो F इंटू dl, जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा तो आप एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखोगे इंटू dr करोगे तो यहाँ माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, dr एक्चुअल में इधर हो रहा है और फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ माइनस आने का मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा आर वन और इधर आ जाएगा आर टू, मीन्स फाइनल आंसर जो रहेगा वो माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, पर अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी प्रूव करने के लिए पूछा जाए तो आपको यही काम करना है। वो पूछेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के कारण बोलोगे तो आ जाएगा माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिफरेंस पॉइंट But potential energy at any point depends on potential energy of reference point। नेक्स्ट लिखें, इट इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। निगेटिव पॉजिटिव जीरो, इट कैन बी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चार्ज को आप साइन के साथ रखोगे, अगर माइनस साइन है तो माइनस रखोगे, प्लस है तो प्लस रखोगे। जैसे फोर्स में मैं आपको मना करता था कि उसमें डायरेक्शन जब तक वेक्टर फॉर्म नहीं आया तब तक आप विथ साइन मत रखो, ठीक है। पर यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, यहाँ पे निगेटिव साइन ही बताएगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है। चार्ज Keep with time. देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कराया था जब हम फोर्स पढ़ रहे थे, ठीक ना। वहां पे मैंने बोला था कि ये जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो मैं फिर से ये बताऊंगा, पहले ये R1 डिस्टेंस पे है, बाद में ये R2 डिस्टेंस पे चला गया, ये आपका डिस्टेंस R2 हो गया, ठीक। जब इसे रिलीज, यहां से इसे रिलीज कर दिया गया था, जब ये R2 डिस्टेंस पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितना है, तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, और जब भी फोर्स कंजर्वेटिव हो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। देखो, जब ये यहाँ पे था तो वो R1 डिस्टेंस पे था, तो हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, यही है आपका।
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जब ये आर वन डिस्टेंस पे है तो आप इसे लिख सकते हो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो, क्योंकि रिलीज किया गया है यहीं से। ठीक, अब U फाइनल देखो, जब वो R2 डिस्टेंस पे पहुंच गया तो आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस K फाइनल। यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए, सबका मास जो है m है, तो आप यहाँ लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, वही आंसर आएगा जो उस समय आया था। डायरेक्ट K Q1 Q2 दोनों में है, कॉमन ले सकते हो आप, आंसर आएगा इधर 1 बाय R1 1 बाय R2, उधर हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा, टू इधर मल्टीप्लाई कर लो, मास को नीचे डिवाइड कर लो और स्क्वायर है तो अंडर रूट कर लो, फाइनल आपका वेलोसिटी आ जाए। ये भी नोट कर लो, आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पे Q1 चार्ज है और दूसरा यहाँ पे Q2 चार्ज है। जो Q2 चार्ज है वो इनफाइनाइट पे, ऐसा मानना है आपको, इनिशियली दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये Q1 चार्ज जो है वो फिक्स है, इसको आप चाहो तो फिक्स कर लो, और Q2 चार्ज को मैंने ऐसे झटका दिया, मीन्स यहां से इसे V0 वेलोसिटी से Q1 की तरफ अप्रोच कराया, पर एक्चुअल में अगर आप देखो तो Q2 पे फोर्स किधर लगा, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फोर्स किधर लगना शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स उधर है, वेलोसिटी आपने इधर दिया, तो होगा क्या? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आर मिनिमम व्हेन वेलोसिटी ऑफ Q2 बिकम्स जीरो, फाइंड आर मिनिमम When velocity of Q2 becomes zero, answer बताओ, सबका आना चाहिए answer, mass m है, mass m ले लेना, सबका answer आना चाहिए, find r minimum, r minimum का मतलब पहले ये infinite distance पे जब ये अप्रोच करेगा इधर तो फोर्स किधर है, लेफ्ट, सॉरी फोर्स राइट में है और वेलोसिटी आपने लेफ्ट दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, एक जगह ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, आपको फिर उस समय उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही गैप आपको निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल, अंदर आया यार, इतना टाइम लगाओगे यार,
10 मिनट में लेक्चर खत्म होगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। बोलो किसी का आया आंसर? देखो इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल, यहीं से तो आंसर आना है। यू इनिशियल कितना है? जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? देखो आपने केवल इसे वेलोसिटी दिया, इसे तो फिक्स रखा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे हाफ एम वी एस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल। की बात करें तो यू फाइनल मतलब जब ये सबसे मिनिमम गैप पे आ जाएगा, मान लो कि वो मिनिमम गैप आर मिनिमम है, यहाँ पे पहुंच गया क्यू टू, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर मिनिमम प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वो आकर के रेस्ट में आ गया, जीरो हुआ उसकी वेलोसिटी फाइनल, जीरो। आप के फाइनल जीरो लिख लोगे, बस आ गया आंसर। आर मिनिमम ही तो निकालना है हमें, आर मिनिमम क्या हो जाएगा, टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आया था किसी का? एक और क्वेश्चन लाजवाब, नोट कर लो फटाफट। इसमें देखो ये Q1 चार्ज जो था वो फिक्स था, आपने Q2 को केवल वेलोसिटी दिया था V0, और इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। क्वेश्चन सेम, अब इसे भी फ्री छोड़ दिया गया है, ये भी रिलीज होगा, मतलब पूरा सिस्टम ही रिलीज हो गया। उधर से Q2 को आपने V0 वेलोसिटी दिया, वो भी इनिशियली इनफाइनाइट पे था, मास m दोनों का, तो फिर से आपको r मिनिमम बताना है। फाइंड आर मिनिमम, ट्राई करो। आर मिनिमम कब होगा ये आपको सोचना है। तो मैं एक काम करता हूं, अभी ये मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप फिर से ज्वाइन करो, एक मिनट ही टाइम बचा हुआ है इसमें।
हाँ देखो ये फिर से तब समझना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला था। चलो ठीक है तुम ही लोग को देखना है ना। तो यहां तक हम समझ गए। इसके बाद आपका है मोमेंटम कंजर्वेशन। जब ये फिक्स था तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन जब ये भी फ्री हो गया, Q1 भी फ्री हो गया, तब आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या लिखोगे आप? इनिशियल मोमेंटम MV0, केवल यही दौड़ रहा था, ये रेस्ट में था इनिशियली। और फाइनली की बात करो तो यहां पे दोनों के पास MM है, तो आप लिखोगे 2MV, 2MV, M से M कट हो जाएगा, तो V का वैल्यू आ गया V0/2। अच्छा ये V का वैल्यू इस पे रख देना है और R मिनिमम निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा? हाफ MV0² इज इक्वल टू KQ1Q2/R minimum, और इधर आ जाएगा M V0/2, रखोगे V के प्लेस पे तो आ जाएगा V0²/4। तो यहां देखना 1/2 MV0² है और इधर 1/4 MV0² है, तो ये इधर आएगा तो 1/2 में से 1/4 जाएगा, तो आएगा आपका 1/4 MV0² इज इक्वल टू KQ1Q2/R minimum। तो R मिनिमम हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लो, 4KQ1Q2/MV0² नोट कर लो। कॉन्सेप्ट बस यही था कि R मिनिमम मतलब सेपरेशन तभी तक घटेगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। ओवर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ट्रायंगल से ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो तीनों कॉर्नर पे Q Q Q चार्ज है, आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक और चीज,
पोटेंशियल एनर्जी जब आप कैलकुलेट कर रहे थे इधर Q1 इधर Q2 दोनों के बीच का गैप R, आप बोलते हो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है? Q1 का, Q2 का, किसका है? सर पूरे सिस्टम का है। पूरे सिस्टम का है, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज का नहीं होता है, ये सिस्टम का होता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत है? Q1 Q2 दोनों के बीच का गैप R लाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये एनर्जी पूरे सिस्टम का होता है, ठीक है भाई। ये ट्रायंगल तीनों कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज है, सेपरेशन ए मान लेता हूं। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी कितना। सेम यहाँ पे चार्ज बदल देता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू जो मन करे वो रख लो, क्या फर्क पड़ता है। पेंटागोन हेक्सागोन जो मन करे वो, हेक्सागोन भी ले लेते हैं। इस पे क्यू 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 रेगुलर हेक्सागोन है साइड ए, इधर भी साइड ए है। जल्दी जल्दी बता दो आंसर, फर्स्ट का बताओ पहले ट्रायंगल का। 3KQ² / A, 3KQ² / A, अच्छा सही है। इसका 4KQ² / A, 4KQ² / A, और इसका 6KQ² / A, है ना? नहीं सर। हाँ बोलो सर। KQ² / A इनटू KQ² / A, KQ² / A इनटू 4+√2, 4+√2, ये सही है। देख लो। हाँ सर, मैंने गलती से बोल दिया। चलो देखते हैं, पहले ये समझ लो इसमें कितने दो दो चार्ज का सिस्टम बनेगा। 1, 2, 3 खत्म। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3KQ² / A, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको U1 ले लेते हैं। या देखो कितने दो दो चार्ज का सिस्टम बनेगा, तो आप पहले ऐसे एज्यूम कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 के साथ कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 1 का 2 के साथ हो सकता है, 1 का 3 के साथ हो सकता है, 1 का 4 के साथ हो सकता है। नेक्स्ट, अब सेकंड का कॉम्बिनेशन कितने के साथ बन सकता है? सेकंड का 1 के साथ तो बन चुका है इसी में, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन सेकंड का 3rd के साथ नहीं बना है, प्लस सेकंड का 4th के साथ भी नहीं बना है, वो लिख लेंगे। अच्छा आप 3rd चार्ज को देखते हैं, 3rd का 4th के साथ नहीं बना है, प्लस 3rd का 1 के साथ हो चुका है, अब 4th का 1 के साथ भी हो चुका है। मतलब यही आपका टोटल कॉम्बिनेशन है, ये U इक्वल टू। अगर आप ध्यान से देखो तो इस लाइन वाला 1, 2, 2, 3 और 3, 4 सबके बीच का गैप ए है, तो ये तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3KQ² / A प्लस 1, 3 और 2, 4। देखो डायगोनल है तो डायगोनल डिस्टेंस कितना हो जाता है? √2A हो जाता है। तो यहां आ जाएगा 2 times of KQ² / √2A और ये 1, 4 के बीच का भी गैप ए ही है, तो आप यहां पे भी लिखोगे KQ² / A। ये हो गया नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू हो जाएगा 4KQ² / A प्लस 2/√2 करोगे तो √2KQ² / A आएगा। KQ² / A कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा 4+√2, ये बिल्कुल सही है। अच्छा अब इसका करने पे आओगे तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6,
फिर करोगे 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर करोगे 3, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इससे बचने के लिए अगर रेगुलर हेक्सागोन है और चार्जेस पॉजिटिव हैं सारे कॉर्नर पे, तो आपको एक फॉर्मूला लगा लेना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेगुलर हेक्सागोन या रेगुलर कोई भी अगर रेगुलर हो जिसका साइड हो n, जिसका साइड हो n, तो फॉर्मूला है n by 2 u due to first। मतलब पहले के कारण जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सब आपको लिख लेना है। जैसे यही क्वेश्चन था, यहां पे आपने इतना कॉम्बिनेशन लिखा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, u equal to n by 2, n कितना है भाई 4, 4 divided by 2 into u at 1, 1 मतलब केवल यही वाला आएगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, बस। 1, 2 के कारण कितना होगा देखो, kq square by a, 1, 3 के कारण कितना होगा kq square by root 2 a, और 1, 4 के कारण आएगा kq square by a। तो देखो बस हो गया आंसर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ देखो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 kq square by a आ गया, प्लस 2 by root 2 करोगे तो यहाँ root 2 kq square by a आए। मतलब ये आपका एक तरह से शॉर्टकट हो गया। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, और ऐसे करोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। इसमें गड़बड़ कब होता है, जब आपका साइन बदल दिया, माइनस साइन आ गया, कोई और साइन आ गया, तब आपको ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो एकदम आराम से बन जाएगा, ये 6 है यहाँ पे, तो 6/2 इंटू 1 के कारण देखो 1, 2। एक और चीज इसमें जानना जरूरी होता है, ये डिस्टेंस, क्योंकि 1, 3 भी कभी आएगा, 1, 4 भी कभी आएगा, तो ये भी डिस्टेंस आपको जानना जरूरी है, ये भी डिस्टेंस जानना जरूरी है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये कभी किया है क्या रेगुलर हेक्सागोन में, ये डिस्टेंस कितना आता है? मैंने अगर वो 11th में अगर पढ़ाया होगा तो ये भी आया होगा साइड, ये रहता है रूट 3a और ये रहता है 2a, ये भी रूट 3a रहता है, मतलब एक चार्ज को छोड़ के बाद वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो रूट 3a रहेगा और दो चार्ज को छोड़ के वाला डिस्टेंस 2a रहेगा, इतना ध्यान रखें। बस कर लेना है, अब 1, 2 करोगे, नाम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 के कारण डिस्टेंस a है, तो आप यहाँ लिखोगे kq square by a, प्लस 1, 3 के कारण रूट 3a डिस्टेंस है, तो आप लिखोगे kq square by root 3a, प्लस 1, 4 के कारण कितना हो जाएगा 2a, तो kq square by 2a, प्लस ये देखो फिर से रूट 3 आया, तो kq square by root 3a, प्लस यहाँ पे फिर से a आएगा, तो kq square by a, यही आपका आंसर है जो भी आ जाए। तो ये शॉर्ट अप्रोच है, आप चाहो तो यूज करो, बोर्ड में ये यूज मत करना, बोर्ड में आपका यही मेथड रहेगा जो लॉन्ग प्रोसीजर है।
पहले वाले को छोड़ के आगे वाले के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, हमेशा याद रखेंगे। अभी जैसे 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ था, फिर 2 का 1 के साथ नहीं, पीछे नहीं जाना है आपको, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का आ रहा है तो 3 का फिर आगे ही जाना है, इस तरह से। एक ऐसे ही क्वेश्चन कर लो नॉर्मली है। रेगुलर ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है। इधर साइड में ले लेता हूं, ए ए ए ए ए, यहां पे चार्ज है क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू क्यू, यहां पे माइनस क्यू ले लो। अब बताओ कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज है, पेंटागन में एंगल पता है कितना होता है एक, ये तो 90 हो गया, ये 90, ये 90, ये 90 है, इधर वाला साइड ए है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। हो गया, फटाफट कर लो आंसर। ये आपको रेगुलर मेथड से नहीं करना है, सॉरी फॉर्मूले से नहीं करना है, ये रेगुलर मेथड जो है उससे करना है। आंसर आ गया। नंबर आप खुद से देना। इसमें ये डिस्टेंस निकालना थोड़ा टेढ़ा होगा, ये आप सावधानी से करना।
चलो देखो, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल, नंबरिंग दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। यू निकालना है आपको, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा, फिर इधर 2, 3 2, 4 2, 5 फिर 3, 4 3, 5 और फिर आएगा 4, 5 देखो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ये सारे का डिस्टेंस a है, तो आप यहाँ पे 4KQ² / a लिख सकते, नहीं सॉरी 1, 2 का आप देखो तो पॉजिटिव आ रहा है, 2, 3 का देख रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है, 3, 4 का आप देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों नेगेटिव और ये भी नेगेटिव ही है, मतलब ये 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 तो -2KQ² / a सर के कारण। हाँ सर आंसर है, आंसर बताओ KQ² / a KQ² / a -5 + √2 -5 + √2 चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो 1, 3 का आप कितना निकाले हो डिस्टेंस, अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ध्यान से देखो तो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है दोनों तरफ, तो देखो टोटल एंगल कितना है 90 + 60 150 का ये एंगल जो होगा वो 75 का होगा, इतना आसानी से कैसे आ गया है, 75 होगा और ये 75 ये 90 तो ये केवल 15 डिग्री ही होगा, तो आप इसको लिख सकते हो कितना, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 cos 15 degree। हाँ सर, बट ये पैर तो कट हो जाएगा ना पूरा, एक cos देख लेते वो तो कट होगा कि नहीं होगा वो, हाँ ये वाला साइड कट ही हो जा रहा है, सही बोल रहे हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो हाँ ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है, फिर भी अपने अकॉर्डिंग इधर भी आपका 1 cos 15 ही हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a cos 15, वही लेके चलते हैं। अब देखना 1, 3, 2, 4 किधर गया, 2 और ये 4, ये तो डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल होगा √2a, मतलब अलग अलग सब आ रहा है, 1, 3 का आप लिखोगे तो आ जाएगा KQ² माइनस में अपॉन 2a cos 15, फिर प्लस 2, 4 का आप लिखोगे तो इसमें √2a डिस्टेंस रहेगा, तो KQ² / √2a और 3, 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 5 किधर गया, 3, 5 ये भी √2a ही आ रहा है और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे आप KQ² / √2a, ये इन तीनों का हो गया। अब इसका आते हैं 1, 4 का, 1, 4 ये देखो तो ये आ जाएगा प्लस में KQ² / 2a cos 15, 2, 5 का आप करोगे, 2, 5 किधर गया, ये 2, 5 a डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा KQ² / a प्लस फिर क्या बचा, 2, 5 हो गया, 1, 5 1, 5 मतलब यही माइनस KQ² / a, ये और ये गया
सर 2π नेगेटिव आए, टू फाइव वाला नेगेटिव आएगा। सही तो है, 2π नेगेटिव आ रहा है, 2π हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों तो गया, -2kq² a और इधर 2kq² a, तो ये 4 हो जाएगा ना, -4kq² / a, और इसमें देखो क्या बचा, 2kq² √2a, तो केवल √2a बच रहा है, √2kq² / a, -4 आ रहा है यार यहाँ पे, -4 + √2, और कुछ छूट रहा है क्या सर? मेरा भी यही आ रहा है, नहीं छूट रहा है, -4 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है फिर, तब ठीक है, ठीक है फिर, तो ये -4 ही यहाँ पे आएगा आंसर आपका। यस सर, -4 ही है, वो मिस्टेक हो गया था। चलो ठीक है फिर, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। नोट कर लो, ये खुद से ही सॉल्व करना था यार, इसमें क्या, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ इसमें। सर बट टाइम बहुत लग रहा है। हाँ तो आपको लगेगा, अभी शुरुआत है ना। देखो एकदम इंडिविजुअली करने का, अगर साइन अलग अलग हो तो प्लस माइनस कहीं पे दे दे तो आपको फिर अलग अलग ही करना पड़ेगा। और एंगल वेंगल ध्यान से रखना है, यहाँ पे तो चलो किस्मत अच्छा था कि कट गया प्लस माइनस। चलो फिर एंड करें, कंप्लीट हो गया सर? ओके चलो मैं लीव करता हूँ फिर।